हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ लौकी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया है, ये बिगनर्स भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नवरात्रे चल रहे हैं तो इसमें आप सब ये लौकी का हलवा बनाकर खा सकते हैं। टाइम बिल्कुल कम टाइम में बनने वाला हलवा है। और मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है निशा वर्मा ऑफिशियल, उसका चैनल मोनेटाइज हुआ है तो उसकी खुशी में भी हलवा बना रहे हम। और एक बहुत अच्छी फ्रेंड और हैं आराध्या गार्डन टिप्स, उनको यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट मिल गई है तो उनके लिए भी ये हलवा है। और रेसिपी अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमने 2.5 किलो लौकी लिया है। लौकी को अच्छे से धो के और कद्दूकस कर लिया था, बीज के बीज निकाल दिए थे। तो थोड़ा सा घी डाल के अब इसको थोड़ी देर चलाएंगे। जब अच्छे से भून लेंगे तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 लीटर दूध, और फिर इसको अच्छे से चलाते जाएंगे तब तक इसमें दूध ऑब्जर्व ना कर ले। और हमने बिल्कुल घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, बिना घी के बनाया है। और यकीन मानिए घी डालते हैं ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगा था। घी की जगह मैं अभी आपको आगे बताऊंगी क्या डाला है इसमें। ओनली शुरू में एक छोटा चम्मच घी लेके बस उसको हल्का सा रोस्ट करने के लिए डाला था, बाकी बाद में ज़रा सा भी घी नहीं डाला। तो अभी हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी स्वाद के अनुसार डालेंगे, क्योंकि कोई कम मीठा पसंद करता है, कोई ज़्यादा। और साथ में डालेंगे नारियल का बुरादा, घी की जगह यही इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद में बड़ा टेस्टी लगता है ऐसा घी, पता नहीं चलता इसमें घी है या नहीं है। तो ज़रूर बनाइए इस नवरात्रि को। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये डालेंगे देखो ड्राई फ्रूट्स जो रोस्ट करके थोड़ा सा, और डाल दिया इसमें।
तो अब इसमें हम 200 ग्राम मावा डालेंगे। डाल के इसमें और फिर मिक्स कर देंगे। तो ये बनकर तैयार है हमारा टेस्टी सा लौकी का हलवा। तो आप सबको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।